Chef. Ako pa kanin. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और इधर छोटी भी बहुत खुश है। और गुलशन जी का तो कल एक्सीडेंट हो गया था, तो थोड़ा प्रॉब्लम है, दर्द है हाथ में। देख लो यार, देख लो, मतलब चमड़ी ना पूरा काटना पड़ गया यार, बहुत ज्यादा। पट्टी ने आप लगा था, चल रहा है, एडिट चल रहा है, अभी कुछ देर के बाद वीडियो अपलोड हो जाएगा। वही ब्लॉग एडिट कर रहे हैं। और आज है मुझे जाना, नहीं बताएंगे आज जाना है पार्लर। और ये जो बालों का गुच्छा देख रहे हो ना भाई, ये बालों का जब गुच्छा देख रहे हो ना, स्ट्रेट हो जाएगा, मतलब लहरिया मारेगा फिर बाल। आज मेरा बाल का स्ट्रेटनिंग। और हम लोग जा रहे हैं अभी पार्लर, हम और छोटी जाएंगे और गुलशन जी जाएंगे रूम पे अकेले। पहले पहुंचाना पड़ेगा हमको भाई, मेरे बगैर कोई काम नहीं। भाई कैसे चलाओगे आप तो हाथ तो हटा। चला रहा हूँ किसी तरह से भाई, बिहारी हूँ, दम है ऐसे थोड़ी। अच्छा, आज बाल स्ट्रेट करवाने में कितना समय लग जाएगा? लगभग 5 घंटा, 5-6 घंटा लग जाएगा। मतलब शाम में आएगी एक ही बार, और फिर 3 दिन के बाद जाना पड़ेगा। बढ़िया है, बाल हैवी हो जाएगा मेरा यार मुझे सजेस्ट कर दो यार, मेरा भी मतलब बहुत बाल तो देखते हो यार, ब्लॉग में बहुत बेकार हो गया, बहुत ज़्यादा। वैसे आप स्मार्ट लगते हो, मेरा बाल ज़्यादा खराब हो गया। और छोटी का तो बाल स्ट्रेटनिंग पहले से ही है। और हम लोग अभी चलते हैं पार्लर, उसके बाद हम लोग आपसे बात करते हैं। आप लोग मेरे ब्लॉग पे बने रहें आगे तक। तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं पार्लर के लिए, और इधर बाइक और गुलशन के जाएंगे साथ में। अभी धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है, गर्मी कब जाएगा यार, मुझे तो गर्मी बड़ी एलर्जी है। और इधर गुलशन जी का बाइक टूट गया, बाइक टूट गया यार, लाइट बाइक टूटा नहीं, लाइट टूट गया आगे वाला, इधर से बेकार लगता है। तो अभी हम लोग चलते हैं पार्लर, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं पार्लर, और ये बाहर से पार्लर का व्यू है। और अभी हम जा रहे हैं, इन कर रहे हैं पार्लर में, और इधर सब लोग अभी। तो दोस्तों देखिए अभी किसा बैलून फुलाया जा रहा है, और इधर लवली जी तैयार कर रहे हैं पार्लर बैलून से। और आज दीदी का सरप्राइज है, अभी किसी दीदी को पता नहीं है कि आज यहाँ टीचर डे मनाया जा रहा है। और हम लोग अभी बस पार्टी कर रहे हैं, पता नहीं मेरा आज बाल स्ट्रेटनिंग होगा या नहीं होगा, ये भी मालूम नहीं है। इधर आ गया केक, टीचर्स डे का केक। और इधर है सजावट बैलून का, और इधर है आंटी जी, मौसम स्नेहा दीदी और नंदनी, और सब लोग भाग रहे हैं, अभी नहीं दिखाएंगे क्योंकि आ गया हम लोग का टीचर। स्मार्ट लग रहा है दी, और सब लोग तो आ ही नहीं रहे वीडियो में। और पूनम रीना दी को दिखाते हैं, और एक दी इधर है, हाय। और अभी केक कटेगा, आप लोग बने रहे वीडियो पे, देखते रहे, आगे आप लोग को दिखाते हैं हम। सरप्राइज है ना आप लोग, थैंक यू सबको। आइए ना दी, तो लगा जिस टाइम मारा दी, तुम मना के उसी टाइम लगा के कुछ दाल में काला दी, आज हम सबके बल जो भी खिला रहे सबको ये नहीं लगा, सब लगाओगी तो क्या हो जाएगा, खिलना बहुत ज्यादा बच गया। अच्छा से हम लोग के हम लोग का खिला रहे हैं, मेरा तो पूरा फेस केक से लपटा हुआ है। अब दिखा ले सुंदर, क्या करोगी? होली क्या होली? आज होली चल रहा है मेरे यहाँ, आशीर्वाद मिला फिर से, आशीर्वाद नहीं ले सकती अभी, फिर से आशीर्वाद सब में टीचर बन जा। चलो अब फोटो शूट करते हैं, आप लोग को बाद में दिखाते हैं अपना हेयर स्ट्रेटनिंग। बाय बाय।
तो दोस्तों अभी मेरा हेयर स्ट्रेटनिंग स्टार्ट हो चुका है और अभी मेरा बाल भी रेस हो गया है। अभी तो बहुत टाइम लगेगा, 4-5 घंटा कम से कम। तो इधर दोस्त मेरा बाल स्ट्रेटनिंग स्टार्ट हो चुका है और एक नहीं 5-5 लोग लगे हुए मेरा बाल स्ट्रेटनिंग करने में। यहाँ का सर्विस बहुत अच्छा है, आप लोग भी आके देखिए एक बार, स्ट्रेटनिंग करवा के उसके बाद पता चलेगा। मेरा तो बहुत अच्छा है, एक बार छोटी भी करवाई थी उसका भी बहुत अच्छा सर्विस था, इसलिए हम भी करवा रहे हैं। आप लोग भी आइए और करवाइए। ब्यूटी जोन ना दी, पार्लर का नाम है ब्यूटी जोन लखीसराय और मॉल के पास टेंस मॉल V2 है उसके नीचे। आप लोग भी आइए और करवाइए। बहुत टाइम लगता है, कम से कम तो 3-4 घंटा लग ही जाता है और बहुत मेहनत है ना दी, बहुत मेहनत है ना दी, बिल्कुल बहुत मेहनत है। तो आप लोग बने रहें आगे तक और दिखाते हैं स्ट्रेटनिंग के बाद कैसे लुक आता है मेरा हेयर का। स्टेप सीरम लगाया जा रहा है मेरे बालों में, मैं तो आज बहुत खुश हूँ इसलिए मेरा आवाज़ भी नहीं निकल रहा है। खूबसूरत लग रहा है मेरा बाल और मैं भी तो दोस्तों हमारा बालों का स्ट्रेटनिंग पूरा हो चुका है फाइनली। मैं तो बहुत खूबसूरत दिख रही हूँ दीदी आज बहुत मेहनत की है ना दी, आप रे कितना टाइम लग गया है, एक पैर पे खड़ी है एकदम सुबह से। थैंक यू दी सुंदर बनाने के लिए, यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोग भी आइए और स्ट्रेटनिंग करवाइए, हम तो बोल रहे हैं यहाँ का सर्विस इतना मस्त रहता है ना। मेरी छोटी पहले करवाई थी उसके बाद हम करवाए हैं, आप लोग बताइएगा मैं कैसी दिख रही हूँ। तो गाइस अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब पहले लाइक कीजिएगा उसके बाद देखिएगा आप लोग। तो अभी मैं चलती हूँ रूम पे और उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ, और दीदी भी बैठी हुई उधर और दीदी का तो काम ख़त्म हो चुका है। थैंक यू थैंक यू बाय बाय। तो दोस्तों फाइनली हम रूम आ चुके हैं अभी जस्ट, और इधर गुलशन जी अभी सोए हुए हैं। कैसे दिख रही हूँ मैं बताओ ना, मेरा बाल कितना लग रहा है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मेरा बाल है। बहुत अच्छा लुक है, आप नहीं बताओ कुछ काम कर रहे हैं? ठीक है काम ही करो भाई। मेरा बाल खराब हो जाएगा यार, बहुत अच्छा सर्विस है वो पार्लर का बुटीक जॉन का। तो आप लोग भी प्लीज जाइए और हेयर स्ट्रेटनिंग करवाइए, बहुत मजा आ रहा है यार मेरा बाल देख देख के, हम तो एकदम इतना खुश है कि क्या बताएं। तो गाइज अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो पहले लाइक कीजिएगा, तब मैं वीडियो बनाऊंगी नहीं तो नहीं बनाऊंगी ना बाबू। मेरा वीडियो पे व्यू क्यों नहीं जा रहा है? तो गाइज अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा शेयर करें, और मेरा व्यू नहीं जा रहा आप लोग ध्यान दीजिएगा ना बाबू, ध्यान नहीं दे रहा, लगता है हमसे सब लोग नाराज हैं। तो अभी मैं तो मैं जा रहा हूं अंडा बिरयानी बनाने, तो अभी मैं जा रही हूँ अंडा बिरयानी बनाने के लिए और आप लोग के लिए भी जा रही हूँ। तो बाय बाय, आज का व्लॉग यहीं तक रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे मेरा तो पहले लाइक उसके बाद शेयर, और मैं जा रही हूँ अभी मैं जा रही हूँ किचन खाना बनाने। आप लोग को अच्छा लगे तो अच्छे से लाइक कीजिएगा और बाय बाय, गुड नाइट।